आजादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के धार्मिक प्रभाग द्वारा नवरात्रि के पावन अवसर पर सलकनपुर देवी धाम में चैतन्य देवियों की झांकी का आयोजन किया जा रहा है। नर्मदापुरम से आई बीके सुनीता ने चैतन्य देवियों की झांकी के माध्यम से देवियों के आध्यात्मिक शक्तियों का रहस्य और उनके 9 स्वरूपों पर प्रकाश डाला। साथ ही चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से राजयोग के विषय पर समझाया गया कि कैसे हम अपने जीवन को राजयोग के द्वारा तनाव मुक्त सुखमय जीवन बना सकते हैं। नसरुल्लागंज सेवा केंद्र प्रभारी बीके माला ने व्यसन मुक्ति पर अपने व्याख्यान देते हुए लोगों को जागरूक किया। उन्होंने बताया कि इन व्यसनों के कारण ही आज मनुष्य शारीरिक मानसिक रूप से कमजोर हो गए हैं। साथ ही बताया कि कैसे हम राजयोग के द्वारा अपनी मन और कर्म इंद्रियों पर नियंत्रण पाते हैं, जिसके द्वारा हम इन व्यसनों से मुक्त हो सकते हैं। कई श्रद्धालुओं और भक्तों ने भी इन व्यसनों से मुक्ति के लिए माँ देवी के सामने प्रतिज्ञा की। लाड़कुई से आई बीके पिंकी ने बताया कि राजयोग के माध्यम से हम स्वयं में देवी गुण और शक्तियों को जीवन में धारण कर श्रेष्ठ सुखमय जीवन बना सकते हैं। कार्यक्रम में विशेष सहयोग रहटी सेंटर प्रभारी बीके नैना दीदी का रहा। साथ ही अन्य बीके भाई बहन तथा हजारों की संख्या में श्रद्धालु भक्तजन उपस्थित रहे। यह चैतन्य 9 देवियों की झांकी है जो हम हर वर्ष इस ईश्वरी विश्वविद्यालय में लगाते हैं, और इस बार हमने माता बीजासन धाम सलकनपुर में लगाने का संकल्प इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर लाखों भक्त आते हैं, और इस झांकी का उद्देश्य हमें उस परम पिता परमात्मा का संदेश देना है कि किस प्रकार से परमात्मा आकर माताओं कन्याओं के द्वारा यह ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा अपना श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। इसका रहस्य समझाने के लिए यह झांकी लगाई गई है और अनेक भक्तों को प्रदर्शनी के द्वारा, प्रोजेक्टर के द्वारा हमारे आदि सनातन धर्म की जो उपस्थिति है वो किस प्रकार से बनी रहे, इसका रहस्य समझाने के लिए सभी के अंदर दैवी गुणों की स्थापना बनी रहे और हमारा सनातन धर्म सदा ही चलता रहे, ऊंचाइयों पर पहुंचे, इसीलिए इस झांकी का आयोजन किया गया। मैं 2 बार नवरात्रि आते हैं, उसी के उपलक्ष्य में यहां बताया गया है कि माँ दुर्गा जो अष्टभुजाधारी है उनके ये 9 रूप हैं, और इनके 9 रूप के माध्यम से बताया गया है। सर्वप्रथम आप ऊपर चित्र की तरफ देखेंगे, झांकी में सबसे ऊपर शिव बाबा को लगाया गया है। तो इसमें बताया गया शिव और शक्ति। तो शिव जो है जब इस धरा पर आते हैं तो ऐसी साधारण नारियों को चुनते हैं जिनके अंदर शक्ति भरकर इस भारत को पुनः आवन बनाने का कार्य करते हैं। उसके नीचे चित्र में दिखाई गई है ज्ञान गंगा। तो ऐसे ज्ञान का फैलाव जब इस संसार में पूरा अंधकार जो बताया गया ना, 9 रात्रि, 9 के साथ जो देवियों के साथ जो है वो रात्रि का उपयोग किया गया, शिव के साथ भी रात्रि का उपयोग किया गया, बाकी कोई भी देवी देवताओं के साथ रात्रि का उपयोग नहीं हुआ है, मगर यहाँ जो शिव और शक्ति कंबाइंड बताते हैं तो दोनों के साथ रात्रि का उपयोग किया गया है। तो वो इस कलयुग रूपी रात्रि को खत्म करने के लिए ऐसी ज्ञान गंगाओं को तैयार करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये बहनें बहुत मेहनत कर रही हैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में। कम से कम 15,000 बहनें हैं जो भारत में पूरे जगह जगह, यही नहीं हर जगह हर शहर में ये चेतन देवियों का झांकी का आयोजन किया जा रहा है। रेड्डी से मोहित मेहता की रिपोर्ट।